अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं आपके साथ एक और मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है खोए की रेसिपी। जो लोग मिठाइयाँ पसंद करते हैं उनको पता है कि खोया कितना इम्पोर्टेंट है मिठाई वगैरह बनाने के लिए। खोए को हम गाजर हलवे में यूज़ करते हैं, इससे बर्फ़ी बनती है और खाली खोया भी खाया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि खोया कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 2 किलो दूध ले लिया है और उसको बॉयल होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। ये कंप्लीट जो सा बॉयल होगा और आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। और अगर आप कंप्लीट इसके पास खड़े रहें तो आप कोशिश करें कि जो सा आप इसकी जो फ्लेम है उसको तेज़ भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि ये मुसलसल हिलाते रहें और ये बर्तन में नीचे लगे ना। बस इसमें सारी मेहनत यही है कि आपने पूरी तवज्जो से इसके साथ खड़े रहना है और आपने इसको हिलाते रहना है। और ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस होके इस अच्छी खासी थिक कंडीशन में आ गया है, लेकिन आपने फिर भी इसको मुसलसल चम्मच से हिलाते रहना है यहाँ तक कि ये मज़ीद आप देखें कि इस कंडीशन में आ गया है। और यहाँ पर आप इसको देखें, इसके अंदर किसी भी घी या किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये अच्छा सा हार्ड हो जाएगा और आपका खोया रेडी है। इजी रेसिपी इज़ द बेस्ट फॉर एवरीवन। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के साथ करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।